नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं या फिर आपने सोचा है या कर दिया है तो आप अपना बिजनेस का नाम किस प्रकार से रखें कि आपको इन फ्यूचर कोई दिक्कत ना हो बैंक अकाउंट खोलने में। जी हाँ, क्योंकि सबसे पहला मुद्दा जो होता है या फिर सबसे पहला कदम जो होता है बिजनेस स्टार्ट करने के बाद, वो ये होता है कि आप अपना ट्रांजेक्शन यानी कि मनी कहाँ पे डालेंगे और कहाँ से निकालेंगे, कहाँ से लोगों से पेमेंट लेंगे आप। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैंने अपना एक बिजनेस स्टार्ट किया था यानी कि जीएसटी नंबर लिया था, तो मेरे से क्या गलती हुई वो मैं आपको शेयर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर कोई नाम अगर आप रख रहे हैं तो उसमें एंटरप्राइजेस, ट्रेडर, सोल्यूशन और मेडिकोज ये सब लगाएंगे तो ठीक है, लेकिन जैसे ही आप ग्रुप ऑफ इंडिया लगा देते हैं वैसे ही आपका अकाउंट नहीं खुलेगा और उसकी वजह से आप ट्रांजेक्शन नहीं कर पाएंगे अपने क्लाइंट्स के। और क्योंकि अब जो जब से जीएसटी आया है हर कोई चाहता है कि जेन्युइन काम हो यानी कि एक नंबर में काम हो, तो दोस्तों उसके लिए सबसे पहले जो जरूरी होता है वो बैंक अकाउंट। इसलिए मैं आपको एक वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपको ये प्रॉब्लम ना झेलनी पड़े, यानी कि इस प्रॉब्लम को आपको फेस करना ही ना पड़े। तो मैंने क्या फेस किया, मैंने अपने फर्म प्रोप्राइटरशिप का रजिस्ट्रेशन किया, उसमें मैंने उसमें नाम दिया स्टार्टअप ग्रुप ऑफ इंडिया। तो उसमें मैंने जैसे ही अकाउंट के लिए ओपन करने के लिए एक बैंक में लिया, उन्होंने प्रोसेस किया, उसके बाद उनके जो हेड है उनका ये कहना है कि जो हमारे हेड है मुंबई या शायद कोलकाता में ज़्यादातर ब्रांचेस होती हैं तो या फिर बेंगलुरु में, तो वहाँ से उनको ये आया कि इस नाम से नहीं खुल सकता क्योंकि इन्होंने ग्रुप ऑफ इंडिया लगा दिया है और ऊपर से मैंने सहारा भी रख दिया था। तो उससे मैंने उनसे पूछा कि तो इसमें क्या प्रॉब्लम है, क्यों नहीं मैं कर सकता। तो उन्होंने कहा कि ग्रुप ऑफ इंडिया लगाने का मतलब है बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन हो जाता है और ऊपर से मैंने शारदा लगा दिया था और आपको पता होगा कि शारदा यूनिवर्सिटी भी है और शारदा इंस्टीट्यूट भी है और कई चीज़ें हैं जो शारदा के नाम से हैं जो बड़ी लेवल पे हैं। तो उनको ये लग रहा था कि मैं शायद फ्रॉड करने वाला हूँ या फिर मैं चीट करने वाला हूँ उनके नाम से अपने फर्म कंपनी के लिए यानी कि अपने प्रोप्राइटरशिप कंपनी के लिए। तो इस वजह से ये रीज़न उन्होंने दिया कि वो अकाउंट नहीं खोलेंगे। फिर मैंने दूसरी बैंक में अप्लाई किया, उनका भी सेम रीज़न था कि सर हम नहीं खोल पाएंगे अकाउंट आपका क्योंकि वही नाम से प्रॉब्लम हो रही है। तो इसलिए आप जब भी अपना बिजनेस स्टार्ट करने की कोशिश करें या फिर स्टार्ट कर दिया हो या फिर सोच रहे हैं तो उसमें जैसे अब मैंने क्या किया है, अपने ट्रेड नेम बदल दिया है। जब भी आप अपना ट्रेड नाम रखें वो कुछ ऐसा कोशिश करें, तो मैंने अब उसे शारदा एंटरप्राइजेस कर दिया है क्योंकि इतनी काफ़ी दिन बाद मैंने वो नाम सोचा था और वो मेरे हाथ से चला गया, मतलब मैं वो यूज ही नहीं कर सकता, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो जैसे मैंने अब शारदा एंटरप्राइजेस कर दिया, तो अब आप जैसे आप मान लो अपने बिजनेस का नाम रख रहे हैं शारदा के नाम से रख रहे हैं, तो मैंने शारदा एंटरप्राइज कर दिया, अब शारदा ट्रेडर कर सकते हैं, शारदा सॉल्यूशन कर सकते हैं, शारदा स्टूडियो कर सकते हैं, जो जैसा काम हो वैसा आप नाम रख सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, इस वीडियो का मतलब यही था कि आप अपने बिजनेस का नाम सोच समझ के रखें क्योंकि इन फ्यूचर या नाम रखने के बाद जीएसटी होने के बाद ये प्रॉब्लम आती है। तो दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, नमस्कार।